सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, सभी सेफ होंगे। तो आज अपनी पीछे खड़ी है लेटेस्ट 2022 की कोवागी रेंजर और अपने सेगमेंट में वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, इकलौती है ऐसी जो ऐसी डिजाइन लैंग्वेज साथ आपको देखने को मिल जाती है। बात करने वाली इसी के बारे में, बताऊंगा आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या फीचर्स लेके आती है, ओवरऑल वॉक अराउंड भी देने वाला इस बाइक का। तो वीडियो से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। पहले तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों के, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, उसको दबा मार करो, दब जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते रहिए आर रियल व्लॉग्स। आपको प्रॉपर रियर में टायर देखने को मिलता है और जो मडगार्ड है वो भी काफी ज्यादा वाइड आपको देखने को मिलता है। तो प्रॉपर जो एक लुक है बाइक का, आपको एक क्रूजर और एक हार्ले, जो हार्ले क्रूजर आती है, आपको वैसा पूरा जो लुक है बाइक का देखने को मिल जाने वाला है। मोटर के बारे में बात करूं तो आपको इसके अंदर 5000 वॉट की मोटर देखने को मिल जाती है, जो कि काफी पावरफुल है। आपको पता होगा कि अगर इतनी भारी बाइक बनाई है उन लोगों ने, तो आपके लिए एक अच्छी मोटर भी चाहिए होगी। तो जो मोटर एक्चुअल में इसमें हब मोटर है, तो बेल्ट ड्रिवन देखने को नहीं मिलता, ये हब मोटर है। रेवा जो टायर है, यही पूरी मोटर है, इसके अंदर जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसी के अंदर से जाती है और जो रियर टायर है वो आपको एक्सलेट करता है आगे की तरफ। ये काफी अच्छी बात है, 5000 वॉट के लिए पावर आपको काफी ज्यादा अच्छी खासी मिल जाने वाली है। अब अगर बात करूं फ्रंट टायर के बारे में, तो फ्रंट आपको टायर देखने को मिलता है 110x80 सेक्शन का, 17 इंच का आपको इसमें फ्रंट में टायर देखने को मिलता है। और अगर आपको ग्रिप दिखा दूं टायर की, तो पूरा ग्रिपी टायर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यानी आप कैसे भी सरफेस पे चलाओ, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। और ये ट्यूबलेस टायर है, यानी कि आप कैसे भी सरफेस चलाओगे आपको पंचर की भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। फ्रंट आपको इसके अंदर डिस्क देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी, और पेटल डिस्क ब्रेक है, यानी कि अगर आप इसको ब्रेकिंग लगाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ब्रेकिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। कंपनी से आपको इसके अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग देखने को मिलती है, यानी कि कोई सा भी ब्रेक लगाओगे तो आपको जो है रेयर वाला ब्रेक अगर अप्लाई कर दो, फ्रंट वाला ब्रेक भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई होगा, जो कि आपकी सेफ्टी को भी ज्यादा कर देता है। सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो फ्रंट में आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाए, टेलीस्कोपिक फोक्स है, काफी ज्यादा वाइड है, काफी मोटर का ट्रेवल भी में वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप इसको ज्यादा ऊपर खापर रास्ते भी चलाओगे तो आपको ज्यादा जर्क जो है फील नहीं होने वाले। और यहाँ पे ओवरऑल जो है पूरा जहाँ पे आपका इंजन का कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पे आपको पूरी बैटरी इसकी देखने को मिल जाती है। काफी ज्यादा बड़ी बैटरी है और आपको दिख रहा होगा काफी अंदर पूरी बैटरी यहाँ पे रखी हो, जो पूरा यहाँ कंपार्टमेंट है पूरा पैक करके काफी अच्छी तरीके से। अगर बात करूं बाइक के रियर टायर के बारे में, तो आपको 145/70 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो कि फिर से अगेन अलॉयज के साथ है। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरी है इसकी मोटर यहाँ पे लगी हुई है, और आपको इसके अंदर कोमाकी के ही डिजाइन, आपको वेल डिजाइन यहाँ पे इसमें पूरे ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। रियर और फ्रंट दोनों में ही आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बॉक्स शेप स्विंग आर्म देखने को मिलता है, यानी कि आपको हैवी स्टेबिलिटी है। अगर आप कॉर्नरिंग पे भी लेके जाओगे तो आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। अगर मैं फुटरेस के बारे में बात करूँ, तो जो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पूरी एक क्रूजर बाइक है, यानी कि क्रूजर आपको पूरा लॉन्ग राइड्स में लेके जा सकते हो इसको, तो उसी के हिसाब से आपको इसके फुटपैड्स हैं राइडर के लिए काफी ज्यादा वाइड देखने को मिलते हैं। आप पूरा पैर के ऊपर रख के आराम से क्रूज करो, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको नहीं आएगी। और जो पिलियन है उसके लिए यहाँ पे आपको रबराइज फुटपैक देखने को मिल जाता है, यानी कि उनको भी अच्छी खासी ग्रिप आ जाने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। रियर सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो आपको इसके अंदर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो कि एडजस्टेबल है, आप इनको अपनी नीड्स के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। लॉन्ग राइड्स पे लेके जाओ पिलियन को भी, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली है। अगर मैं बात करूं बाइक के टेल सेक्शन के बारे में, तो कुछ ऐसा आपको पूरा टेल सेक्शन बाइक का देखने को मिलता है, काफी ज्यादा बड़ी लगती है, एक बिग बाइक वाली फील जो आपको इसके अंदर आ जाने वाली है। यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर्स काफी साइड में देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो मेन टेल लाइट है देखने को मिल जाएगी, दो साइड में आपको बॉक्स देखने को मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए। मेरे हिसाब से शायद आप इनको हटा भी सकते हो या रख भी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो लुक है बाइक के इसके काफी अच्छे हो जाते हैं, दोनों की वजह से काफी क्लासी लगती है, और एक महंगी बाइक एक प्रीमियम बाइक वाला आपको फील आने वाला अगर आपको चलाओगे तो। सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो आपको स्प्लिट सीट्स के देखने को मिलती है, दोनों ही काफी ज्यादा वाइड और लंबी सीट है। और कंफर्ट के बारे में तो अच्छा खासा आपको कंफर्ट देखने को मिल रहा है लॉन्ग राइड्स पे जाओगे। वैसे आपको पता है लॉन्ग राइड्स के लिए ही बनी हुई बाइक है, तो लॉन्ग राइड्स के हिसाब से आपको उसमें सीट देखने को मिलती है। और जो पिलियन होगा उनको बैकरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, ये भी काफी कंफर्टेबल है और एक अच्छे टेक्सचर के साथ आता है,
बाइक को जो आराम से बैठेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम में भी कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो बाइक ओवरऑल काफी ज्यादा लॉन्ग राइड से आप इसको इजीली लेके जा पाओगे आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। और इसके अंदर कोई भी आपको गियरिंग का सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, और इसके अंदर मोड्स है, आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप जो मोड्स है चेंज कर सकते हो। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ और ओवरऑल यहाँ से ये पूरा लुक दिखा देता हूँ बाइक का, तो कुछ ऐसा पूरा लुक निकल के आता है। और जो फ्रंट की जो विंडशील्ड है वो काफी ही ज्यादा बड़ी दे रखी है, जैसे कि आपको हार्ले में देखने को मिलता है, जो हार्ले की स्ट्रीट बॉब आती है उसके अंदर पूरा जो बड़ी सारी विंडशील्ड होती है जो आर्मी वाले यूज करते हैं मोस्टली अमेरिका जैसी कंट्री में, तो वहां पे इतनी बड़ी पूरी विंडशील्ड देखने को मिलती है, तो उसी टाइप की आपको प्रॉपर वैसी ही इसके अंदर जो है विंडशील्ड देखने को मिलती है। आपको एयर ब्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करोगे पूरा स्वाइपर मारने वाला है, यहाँ पे सबको दिखा देगा, यहाँ पे स्पीड दिखा देता है, यहाँ पे ओडो दिखा देगा आपको, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी अभी कितनी बाकी है, कौन से गियर में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थर्ड में एरो आ रहा है, जैसे मैं इसको सेकंड पे कर दूंगा फर्स्ट पे कर दूंगा तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का एरो आ गया। सभी फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाने वाले हैं, बैटरी इंडिकेटर, टर्न सिग्नल का इंडिकेटर भी आपको इसी के अंदर इंडिकेट हो जाएगा, हाई बीम लो बीम, आपको जो कुछ भी फीचर्स यहाँ पे सारे इंडिकेटर हो जाने वाले, जो काफी अच्छी बात है। स्विच गियर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको इसके अंदर मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर मोड है तीन, तो आपको तीन मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से जो लाइट है आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, जो आई की हेडलाइट है उसको ऑफ या ऑन कर सकते हो, ये काफी अच्छी बात है। कभी कभी हमको ऐसा होता है कि हेडलाइट की जरूरत नहीं होती है, हमको नहीं है ऐसे कि हम हेडलाइट की हमको जरूरत नहीं है, तो उसको ऑफ भी कर सकते हो आजकल की बाइकों की तरह नहीं है। यहाँ पे इसमें रिवर्स का भी ऑप्शन है जो कि काफी अच्छी बात है, इतनी वेट वाली बाइक है, इतनी भारी बाइक कभी कभी फंस जाती है, फट में फंस जाती है, तो इसमें रिवर्स का भी ऑप्शन है, आपको नॉर्मली पैर से आगत लगाने की जरूरत नहीं है, तो हल्का सा इसका रिवर्स वाला प्रेस करो, एक्सीलेटर दो, बाइक खुद ब खुद पीछे जाएगी। जैसे आप आओगे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ पे हजार का स्विच देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्रूजर बाइक है, अगर आप हाईवे पे कोई सी भी बाइक लेके जाओगे तो आपको हजार की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो आपको इसके अंदर हजार स्विच भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको उसके अंदर इंडिकेटर का स्विच देखने को मिलता है, यहाँ पे हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है, हाई बीम लो बीम का स्विच, और इसके अंदर आपको कंपनी से फिटेड आपको इसके अंदर स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप उसको कॉल उठा सकते हो, और हाँ इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, यानी कि जो आपका फोन है इसे ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके कॉल होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, मैसेज होंगे, आपको सभी अपने स्क्रीन पर शो हो जाने वाले हैं, और यहाँ से जो ये पूरा यहाँ पे आपको डायल देखने को मिलता है, इससे आप यहाँ से कॉल उठा सकते हो, आगे कर सकते हो, म्यूजिक को ऑन ऑफ कर सकते हो, म्यूजिक की वॉल्यूम अप या डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिलता है, अपने डिवाइसेज जो है चार्ज कर लो, यहाँ पे फोन माउंट लगा के अपने डिवाइसेज भी चार्ज कर सकते हो। तो फीचर्स तो आपको बाइक के अंदर काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, अपने सेगमेंट के हिसाब से जो लुक्स हैं और जो फीचर्स हैं वो आपको किसी बाइक में इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसी में आपको दिखाता हूं, आपको यहां पे हैलोजन देखने को मिलते हैं और जो मेन है वो एलईडी देखने को मिल जाती है, और जब आप इसको ऑन कर लोगे, इसको स्टार्ट कर लोगे, मेरे मतलब है जब आप इसको ब्रेक को प्रेस करके यहाँ पे वाला बटन प्रेस करते हैं अपन, ये वाला बाइक जो स्टार्ट हो जाती है, मतलब रेडी हो जाती है चलने के लिए। तो अभी ये पार्किंग मोड में है, अभी अब तक आपको वो प्रेस करके नहीं करूंगा, ये पार्किंग मोड से नहीं हटेगी और आगे चलना स्टार्ट नहीं होगा, जो ये सेफ्टी फीचर है, देखो अभी ऑन हुई है, कम से किसी ने स्पीड दे दी तो उनको प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। तो ये सारी तो बातें हुई बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में, बाइक के फीचर्स के बारे में, और बाइक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बाइक के लुक्स कैसे हैं, ओवरऑल आपको जो सारी स्पेसिफिकेशन पता, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आती है बाइक की प्राइस कितनी रखेगी, आपके बजट में है नहीं, तो आपको कहना चाहूंगा कि बाइक अपने डिजाइन लैंग्वेज, अपने फीचर्स और अपने इकोनॉमिक्स के बाद भी आपके बजट में प्रॉपर आ जाने वाली है। ये आपको एक शोरूम देखने को मिल जाती है 1.68 लाख ओनली, आपको इतनी प्यारी बाइक के लिए, इतनी बड़ी पूरी अच्छे खासे फीचर्स के लिए, अच्छे खासे पावर के लिए सिर्फ आपको 1.68 लाख देने हैं इस बाइक के लिए। एक शोरूम प्राइस है, वन अगर मैं ऑन रोड जयपुर की बताऊँ, आपके स्टेट में वैरी भी कर सकती है, मैं आपको जयपुर की बताने वाला हूँ, तो आपको 1,90,000 में, सिर्फ 1,90,000 में आपको पूरा आरटीओ होगा, जितने भी इसके सारे वो सब होते हैं, सब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होकर आपको ऑन रोड ये बाइक 1,90,000 में जयपुर में मिल जाने वाली है। अगर आप कोई भी आना चाहो इस बाइक की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। शोरूम का नंबर एड्रेस आपको अभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करो, उनसे अपॉइंटमेंट बुक करो, और आपको बाइक जो भी लेनी है आके बात करो, टेस्ट राइड बुक करो, चला के देखो, जो भी पसंद है जरूर से बाय करो, क्योंकि जो कंपनी है काफी ज्यादा रिलायबल है, जापान की कंपनी है, और जो आपको फीचर्स हैं और जो आपको प्रॉपर पार्ट्स हैं, मैं आपको पार्ट्स की क्वालिटी भी दिखा दूं कि पार्ट्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और हर जगह से फाइबर का यूज नहीं है, जहाँ पे मेटल की नीड थी वहाँ पे मेटल का भी यूज किया गया है। तो आप जान जाओ इस बाइक के बिल्कुल जा सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म में कैसी भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली। तो ये था अपने वीडियो इस अमेजिंग सी बाइक के बारे में, आपको उसके फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, लुक्स तो बाइक के काफी ज्यादा अमेजिंग है। इंडिया में आने वाली इकलौती इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक आपको देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा अमेजिंग है। आपको यंगस्टरों को डेली कॉलेज जाने के लिए, सामान लेके आने के लिए, आपको स्कूल जाने के लिए कोई बाइक चाहिए तो आप इस बाइक की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा रिग्रेट नहीं होने वाला है कि मैंने कुछ गलत ले लिया, बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप तरफ बिल्कुल जाओ, कैसे भी कोई प्रॉब्लम जो नहीं आएगी। और मुझे पता अगर आप वीडियो आप देख रहे हो तो पसंद आए तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देते दोस्तों, लाल कलर का सब्सक्राइब नहीं दबाया तो गुस्सा मालूम करो, तब जाना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो, तब तक के लिए आडियस अमीगो साइनिंग ऑफ आर एन व्लॉग्स।